एंट्रोपी कैलकुलेशन ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ सॉलिड और लिक्विड। कॉपी करो, पूरा एक्सप्लेन करता हूं। चलो सुनना। फर्स्ट, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ सॉलिड और लिक्विड। हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं क्लियर, या लिक्विड को हीट कर रहे हैं।
देयर इज नो केमिकल चेंजेस, नो फेज ट्रांसफॉर्मेशन. सॉलिड एक टेम्परेचर पे था, उस सॉलिड को एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे लेके जा रहे हैं. यहाँ पे मेल्टिंग या फिर फ्रीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं होगा. क्लियर? बेसिक फॉर्मूला dQ रिवर्सिबल बाय T. dQ को लिखा है mcdt, स्मॉल हीट एक्सचेंज, स्मॉल टेम्परेचर चेंज, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. m and c दे आर जनरली कॉन्स्टेंट, विल कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन. dT by T का इंटीग्रेशन lnT, अपर लिमिट T2, लोअर लिमिट T1, lnT2 minus lnT1, T2 by T1 हो जाएगा. Is there any doubt till here? क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. इसके बाद फिर हम आते हैं इस फॉर्मूले पे. एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन डेल्टा एस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट. किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो चेंजेस होते हैं वो डिफाइन होते हैं डेट क्वांटिटी फॉर द प्रोडक्ट माइनस सेम क्वांटिटी फॉर द रिएक्टेंट. Example here, N2 plus H2 giving ammonia. So, 2 times of entropy of ammonia, 2 coefficient rate, 2 moles produced, so here we have to multiply 2 ka zaruri hai. Minus 1 times of entropy of N2, minus 3 times of entropy of H2. Finally, product bana hai, product ka entropy initial reactant hai, minus reactant ka entropy change. Then, entropy change during phase transition. Phase transition, matlab melting ho gaya, boiling ho gaya, sublimation ho gaya. जनरली दे अकर्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है, बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट पे होता है. सो उस पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, टेम्परेचर इंटीग्रेशन के बाहर आया. डी क्यू का इंटीग्रेशन हो गया क्यू. क्यू एंड डेल्टा एच बोथ आर सेम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. जनरली ये जो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, ये किसी भी गिवन प्रेशर पर हो, मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा जाता है. यहाँ पे डी क्यू को हमने इंटीग्रेशन में क्यू लिया, क्यू को डेल्टा एच से रिप्लेस किया. Enthalpy change and heat exchange both are same at constant pressure. अब हमें different cases के लिए formula देखना है further. इसका sub case first one during solid to liquid conversion. इसे कहा जाता है fusion. So, entropy change during fusion, enthalpy change during fusion, where fusion मतलब solid to liquid conversion upon temperature, और ये होगा इसका melting point और freezing point, both are same, कुछ भी. ध्यान रखना ये freezing point होना compulsory है, constant temperature होना compulsory है, तभी ये formula use होगा. यदि हम ice को room में लाकर melt करते हैं 25 degree Celsius, then this formula will not be applicable. Yeah? Second, during liquid to gas conversion, vaporization, इसमें delta is vap, यहाँ पे हो जाएगा enthalpy during vaporization upon boiling point. Is that okay? क्या इतना समझ में आ रहा है? Yes, sir. During sublimation, solid to gas conversion directly, delta S sublimation is delta S sublimation upon temperature. ये temperature vary हो सकता है, vary हो सकता है, मतलब basically जो भी given temperature है. Solid to gas conversion के लिए कोई fixed temperature नहीं होता, it is a range of pressure. Yeah? तो जिस भी pressure पे हो रहा है, उस particular temperature यहाँ पे हम लिख देंगे. Freezing point, boiling point.
चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, उसमें जितने भी फॉर्मूले हमने अब तक देखे ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं यूज आ जाएंगे एंट्रोपी कैलकुलेशन के। चलो हो गया इतना कॉपी। यसो find entropy change for this process. Ice is converting from 200 Kelvin 180 to steam 400 Kelvin 280. तुम्हें इसका total entropy change बताना है। I don't want exact value. तुम सिर्फ formula भी लिख दोगे ना कि कौन सा formula use करा है। जैसे MCL and T2 by T1 कहीं use करा है तो सिर्फ T1 T2 का value लिखना है। MNC you can leave as it is. Clear? और जब भी हम entropy change calculate करते हैं, एक simple सा example लेता हूँ मैं। मान लो तुम जा रहे हो आइस से स्टीम पर, पहले तुम आइस को हीट करोगे 200 से 273 केल्विन पर, फिर 273 पे वो मेल्ट होगा, फिर वाटर बनेगा, वाटर बनने के बाद उसे हीट करोगे, फिर स्टीम बनाओगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसे ब्रेक करके ऐसे कुछ 3 4 5 फॉर्मूले होंगे जो अलग अलग लिखने होंगे और उनका एडिशन विल बी टोटल एंट्रोपी। मैं ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे जा रहा हूँ, पहले मैं फर्स्ट पे गया, फिर थर्ड पे गया, फिर फोर्थ पे गया, तो टोटल चेंज क्या होगा? पहले जीरो ग्राउंड से फर्स्ट का चेंज निकाला, फर्स्ट से थर्ड का निकाला और थर्ड से फोर्थ का निकाला और सबको ऐड अप कर दिया। क्लियर? ऐसा कुछ होगा एंट्रोपी। स्टेप में ब्रेक करो और सबका अलग अलग फॉर्मूला लिख के ऐड कर देना। लेक्चर नोट्स तुम्हारे सामने है, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा तुम चेक कर सकते। Thank you.
कुछ स्टेप्स में ब्रेक कर लिया हमने उसको, पहले आइस को हीट किया, आइस को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक लेकर आए, मेल्टिंग पॉइंट पे उसे मेल्ट किया, वाटर को हीट किया, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर आए, बॉइलिंग पॉइंट पे उसे बॉइल किया, फिर एक बार स्टीम बन गया 373 केल्विन 118 पे, 400 केल्विन 218 तक लेकर आया। प्योर चलो क्रॉस चेक करना सही लिखा है नहीं लिखा है। सबसे पहले डेल्टा एस वन हीटिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड के हीट का हमारे पास फॉर्मूला है MCLnT2/T। T2 means final temperature, T1 means initial temperature. So MCLnT2/T1. Is that okay, first one? क्या इतना समझ में आया है? Yes sir. Yes. कुमार, पूजा, ऋषिका? Yes sir. Yes sir. Ice to water conversion, delta H fusion upon 273, that is melting point, enthalpy of fusion of phase transition, solid to liquid conversion. So enthalpy of fusion upon temperature 273 Kelvin. Water ka heat, heating of solid, sorry liquid, MCLnT2 373 upon T1 273. डेफिनेटली ये सी और ये सी अलग अलग होगा, जो भी सॉलिड का और लिक्विड का सी दिया होगा क्वेश्चन, मुझे भी सिर्फ फॉर्मूला देखना है कि कौन से फॉर्मूला यूज आएगा। देन वाटर टू स्टीम कन्वर्जन एंथैल्पी ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन डेल्टा एच 4, ये वेपराइजेशन है, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। अब हम स्टीम जो बन गया है, गैसेस बन गए, गैसेस का एक टेम्परेचर प्रेशर से दूसरे टेम्परेचर प्रेशर, सो डेल्टा एस 5, इसका फॉर्मूला है NCVLnT2/T1 प्लस NRLnV2/V1। अब क्वेश्चन आता है V2 V1 तो नहीं दे रखा है हमें, बट T1 T2 ये दे रखे हैं, PV इक्वल टू NRT से रिप्लेस कर दो गैसेस, क्या V2 V1 को हम लिख सकते हैं NRT2/P2 NRT1/P1। NR कैंसिल हो गया, T2 ये रहा P2 ये रहा T1 P1, सारे वैल्यू पुट करो, सेकंड टर्म भी आ जाएगा। इज दैट ओके? ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए दिया था कैसे सारे फॉर्मूले यूज आते हैं। क्या कॉपी हो गया है? चले हम आगे। सर 1 मिनट। हो गया सब।
चलो बोर्ड पे देखना फिर कॉपी कर लेना। ओवरऑल क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी, हमने ओवरऑल क्राइटेरिया ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिलकर ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगे तो स्पॉन्टेनियस, लेस देन जीरो होंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, और इक्वल टू जीरो होंगे तो इक्विलिब्रियम होगा रिवर्सिबल। डेल्टा एस सराउंडिंग को हमने ये भी डिराइव किया था माइनस डेल्टा एस सिस्टम बाय टी, क्लियर। इस डेल्टा एस सराउंडिंग को रिप्लेस कर दो माइनस डेल्टा एच बाय टी करते हैं, सिस्टम एज इट इज माइनस डेल्टा एच बाई टी, टी को मल्टीप्लाई कर दो, टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा, यहाँ पे भी टी आ गया, टी डेल्टा एस, ये डेल्टा एच। यदि सिस्टम है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती ना, कुछ भी नहीं लिखा है सिस्टम के लिए, स्पेशली सराउंडिंग लिखा होता है तो सराउंडिंग होता है तो हमें मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे टी मल्टीप्लाई किया, एक नेगेटिव साइन रख दिया, माइनस 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 प्लस हो जाएगा डेल्टा एच प्लस साइन के साथ, टी डेल्टा एस माइनस साइन के साथ, क्लियर। इसे हम रिप्लेस करते हैं डेल्टा जी से, one of the new quantity here to describe spontaneity of the system change, so delta g hamare paas ek naya quantity aaya hai, delta h minus t delta s, clear। yadi hum iske respect mein criteria describe karenge, jab delta s total positive tha to spontaneous tha, ye positive temperature to positive hota hi hai to ye negative ho jayega delta g, so hamare paas first condition aayegi if delta g less than zero, मतलब delta s total greater than zero, change will be spontaneous, change will be spontaneous if delta g greater than zero, change will be non spontaneous और डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा एस टोटल जीरो, प्रोसेस इज रिवर्सिबल, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, क्लियर। तो जस्ट ये जो पहला क्राइटेरिया था लास्ट लेक्चर में देखा था उसी के रिस्पेक्ट में माइनस साइन आया, तो डेल्टा जी विच इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, उसे भी मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। अभी जस्ट एक टर्म आया है माइनस टी डेल्टा एस टोटल जिसे डेल्टा जी लिख दिया है,
इसका जो डेरिवेशन है वो उतना मैटर नहीं करता है, डेल्टा जी इक्वल टू दिस, डेल्टा एच माइनस थ्री डेल्टा एच, ये ज्यादा मैटर करता है देन दिस क्राइटेरिया. Gibbs free energy G is defined as H minus TS. Delta G को कुछ ऐसे define करेंगे. Delta H minus delta of TS. Temperature constant है तो बाहर आता है. Delta G is delta H minus T delta S. It gives criteria for the spontaneity of any change. यदि negative है तो spontaneous, positive तो non spontaneous, equal to zero है तो equilibrium. Gibbs free energy change. स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर रखा, टेम्परेचर को गिवन रूम टेम्परेचर, जनरली इंडिया में 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया जाता है. जब भी इस टेम्परेचर प्रेशर पे कंडीशन दी होगी तो उसे स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं. और डेल्टा जी को डिनोट किया जाता है डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. मतलब नॉट मीन्स स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो गई एट 180 and 298 Kelvin. That is 25 degree Celsius. Standard condition. उस पे कोई भी change define करना है तो standard change.
सलोनी मुझे इसका जो एक्सरसाइज वन है और उसमें जो सेकंड लॉ के क्वेश्चंस है एक्सरसाइज वन के, वो पिक्चर सेंड करो, कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूँ करने अभी प्रैक्टिस। हाँ सर अभी सेंड क्या सलोनी, मैं वेट कर रहा हूँ। सर ये एक्सरसाइज वन के सेक्शन से। हाँ ठीक है, एक्सरसाइज वन पे ही चाहिए। बट सेक्शन एफ और भी मुझे एक सेक्शन लगेगा इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है एंट्रोपी कैलकुलेशन वाला सेक्शन, सेक्शन एफ के पहले वाला सर, सेक्शन ई में। हाँ तो सेक्शन ई सलोनी तुमने सेंड नहीं किया है शायद। सर के देख चलो सेक्शन एफ के कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, करना है प्रैक्टिस, फिर बोर्ड पे सॉल्व करके बताऊंगा। मैं सेंड किया वो जो लास्ट फोटो है वो सेक्शन ई का है, तो है स्टार्टिंग पेज। ठीक है अच्छा, इसमें एक टेबल और बना देता हूँ फिर ये क्वेश्चंस करते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ स्पॉन्टेनिटी, देखो हाँ टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होगा, हमने इसको ले लिया पॉजिटिव, इसको भी ले लिया पॉजिटिव। अब हमने जो क्राइटेरिया देखा है फॉर द स्पॉन्टेनिटी, यदि एंथैल्पी चेंज डिक्रीज होगा नेगेटिव होगा तो ये स्पॉन्टेनिटी को फेवर करता है, और एंट्रोपी चेंज यदि पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनिटी को फेवर करता है। ये पॉजिटिव मतलब इसको वो पॉजिटिव बनाएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ये नेगेटिव तो इसको नेगेटिव बनाएगा स्पॉन्टेनियस। अब डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव तो एक नेगेटिव साइन आ गए, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे स्पॉन्टेनियस बनाएगा इसे, और ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव बनाएगा
नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब हमारा डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये क्वांटिटी यदि पॉजिटिव है तो फेवर करेगा, ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो फेवर करेगा। अब एक फेवर कर रहा है, एक अपोज कर रहा है इस केस में, ये फेवर कर रहा है स्पॉन्टेनिटी को, ये फेवर कर रहा है नॉन स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, मतलब अपोज कर रहा है स्पॉन्टेनिटी। सो डेल्टा जी समझना, यदि ये टेम्परेचर ज्यादा हो गया हमारा, ये टर्म ज्यादा हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, तो ओवरऑल इससे भी ज्यादा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो स्पॉन्टेनियस हियर, सो इट विल बी नेगेटिव एट हाई, नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, ये भी लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। क्या इतना समझ में आता है हाई टेम्परेचर पे कैसे स्पॉन्टेनियस होगा? ये पॉजिटिव डेल्टा एच, डेल्टा एच भी पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी ओवरऑल नेगेटिव हो गई। यदि इसे नेगेटिव बनाना है तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड तब ज्यादा होगा जब टेम्परेचर हाई होगा, और यदि टेम्परेचर कम है, पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तो हमने देखा टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ स्पॉन्टेनिटी, कैसे टेम्परेचर के साथ स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज हो रहा है। क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर। सेकंड पॉसिबिलिटी, अब इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, क्लियर। इस पॉसिबिलिटी में जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अपोज कर रहा है, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव, ये भी अपोज कर रहा है, तो दोनों अपोज करेंगे तो तुम कुछ भी टेम्परेचर ले लो, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी मिलके कभी पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, डेल्टा जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड पॉसिबिलिटी, अब इसे नेगेटिव रख लो, क्लियर। अब ये अपोज कर रहा है डेल्टा एच नेगेटिव, ये फेवर कर रहा है, क्लियर। यदि डेल्टा एच फेवर कर रहा है तो ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा इससे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कब ज्यादा होगा? जब टेम्परेचर कम होगा, कम होगा तो अपने आप इसका मैग्नीट्यूड कम, सो इट विल बी नेगेटिव मींस स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। एक और केस बचा है, कौन सा बचा है? हम इसको नेगेटिव कर देते हैं और इसको पॉजिटिव, मतलब ये फेवर करेगा और ये भी फेवर कर रहा है, पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव डेल्टा एस दोनों फेवर करेंगे, किसी भी टेम्परेचर पे ले लो, यदि ये पॉजिटिव है तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। सो चार केसेस, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, इज दैट ओके? सिंपल सा मैथमेटिक्स से इसे नेगेटिव बनाना है तो किस कंडीशन पे नेगेटिव बनेगा? ये यदि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है क्वांटिटी मिलकर, तो टेम्परेचर को ज्यादा रख दो, और यदि ये पॉजिटिव आ रहा है तो टेम्परेचर को कम रख दो। सेक्शन एफ के क्वेश्चन करो पहले, मैं चारों क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करूंगा फिर।
5 क्वेश्चंस. चलो अटेम्प्ट कर लेंगे सारे क्वेश्चन. संस्कृति श्रद्धा कृष्णा हो गए अटेम्प्ट. सर पूरे नहीं हुए अभी. ठीक है पहले तीन क्वेश्चन डिस्कस कर लें. यस सर. यस सर. कौन सा चलो बता देता हूँ सारी बता देता हूँ पहले तीन क्वेश्चन मतलब बिना उसके.
First, which of the following condition regarding a chemical process ensure its spontaneity at all temperature? सारे टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस कब होगा? स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर जब ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, मतलब तो दोनों फेवर करें स्पॉन्टेनिटी को। है कोई ऑप्शन ऐसा? सेकंड ऑप्शन। क्लियर? डेल्टा इज नेगेटिव, डेल्टा इज पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। थर्ड क्वेश्चन, फॉर अ गैस फेज डिकम्पोजिशन। देखो हम PCl5 को हीट कर रहे हैं, इस साइड का मतलब होता है हीटिंग, PCl3 और Cl2 बन रहा है, तो ये तो पक्का है इसमें डेल्टा H पॉजिटिव होगा, हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, क्लियर? सो एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव, एनर्जी इंक्रीज होगी सिस्टम की। क्या वन मोल गैस टू मोल्स गैस में कन्वर्ट हो रहा है? इफ मोल्स ऑफ गैस आर इंक्रीजिंग देन एंट्रोपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। Number of moles of gas are increasing, change in entropy will be positive. Dono positive, delta H and delta S, second option. Third question. What is the free energy change when one mole of water at 100 degree Celsius at 1 atm pressure is converted into steam? यहाँ पे हमें delta H vaporization देना चाहिए वैसे। ये formula होगा delta H vaporization अपॉन टेम्परेचर विच इज बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। इसका कितना होता है? जहां तक मुझे पता है कितना 540 होता है। 540 क्या किलो कैलोरीज? कितना होता है? मुझे भी वैल्यू नहीं पता, वैसे एग्जाम में दिया जाता है वो वैल्यू, यहाँ पे दिया नहीं है, दिया होना चाहिए। क्लियर? चलो जो भी वैल्यू होगा उसे वैल्यू रखकर टेम्परेचर को 373 रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? नाइन्थ और टेंथ क्वेश्चन, अगेन गिविंग यू 2 मिनट्स, जल्दी से अटेम्प्ट कर लो। यस, सेवेंथ क्वेश्चन में रिएक्शन प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगी ना? एक मिनट रुक जाओ। अच्छा डेल्टा जी पूछा है, मैंने डेल्टा एस लिख दिया है, मैंने डेल्टा एस का फॉर्मूला लिखा है, उसमें डेल्टा जी पूछा है। यस, बॉइलिंग पॉइंट पर प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगी, डेल्टा जी विल बी जीरो एट इक्विलिब्रियम। मैंने डेल्टा जी के बजाय डेल्टा एस लिख दिया था, जिसका फॉर्मूला है सही है, बट क्वेश्चन में डेल्टा जी पूछा है विच इज जीरो इक्विलिब्रियम। 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम और वाटर दे आर इन इक्विलिब्रियम विद बॉइलिंग। सेक्शन इनके भी ये दो क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें।
नाइन्थ क्वेश्चन हमें बताना है किस टेम्परेचर के ऊपर या नीचे वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एच माइनस थ्री डेल्टा एच शुड बी लेस देन जीरो फॉर स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पर हमने जस्ट कैलकुलेशन किया, इसको किलो जूल से जूल में कन्वर्ट किया क्योंकि भी जूल में दे रखा है, सेम यूनिट, थाउजेंड को मल्टीप्लाई किया, माइनस इधर जाएगा प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 58 को डिवाइड कर दो तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाला है हमने, टी शुड बी लेस देन 33,000 बाय 58 केल्विन इन ऑर्डर टू हैव स्पॉन्टेनियस चेंज। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम होगा वो टेम्परेचर भी इतना होगा। समझ में आया नाइन क्वेश्चन? यस सर। H2O solid to H2O liquid, work done का formula हमें बताना है, greater than zero, less than zero। अच्छा, ice से जब water में convert होते हैं, क्या हमने ये पढ़ा है बचपन से, ice की density कम होती है, ice floats on water, ऐसा पढ़ा है हमने। If density is less, density का formula है mass upon volume, density is less मतलब volume is more, इसका volume ज्यादा है in comparison to this। इसका वॉल्यूम कम, इसका वॉल्यूम ज्यादा, मतलब इस चेन में डेल्टा वी लेस देन जीरो का। लेट्स इसका 100 ml 98 ml में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक्सेप्शनल केस है आइस वाटर, सो चेंज इन वॉल्यूम इज लेस देन जीरो, वर्डर है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यदि ये नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, वर्डन विल बी पॉजिटिव। इस ऑप्शन में दे रखा है 10th में पॉजिटिव, सेकेंड ऑप्शन is it okay? Next section E, question number 15 and 16, जल्दी से try करो, दोनों question अच्छे हैं। का आंसर तुम यदि एक सेंटेंस पढ़ोगे तो सेंटेंस पढ़ते से आंसर दे सकते हो। When two moles of an ideal gas is expanded adiabatically and reversible, reversible adiabatic process, check करो last lecture, almost last heading, reversible adiabatic process के लिए डेल्टा एस क्या लिखा था हमने? जीरो। क्लियर? यदि हाँ इरिवर्सिबल होता ना तो फिर हमें फॉर्मूला लिखना पड़ता, बट रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। अच्छा, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स वो भी जीरो, डेल्टा एस सिस्टम जीरो, सराउंडिंग विल बी माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, वो भी जीरो क्योंकि रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल होता तो फिर हमें कुछ लिखना पड़ता है यहां पर। इज दैट ओके 15? यस सर। यस सर।
16th में एंट्रोपी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, टू टाइम्स ऑफ एंट्रोपी ऑफ PbO प्लस टू टाइम्स ऑफ एंट्रोपी ऑफ SO2 माइनस टू टाइम्स ऑफ एंट्रोपी ऑफ PbS माइनस थ्री टाइम्स ऑफ एंट्रोपी ऑफ O2. सारे वैल्यूज ही पुट करने हैं तुम्हें, क्लियर? ये चारों वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखे हैं. For a chemical reaction, delta G naught plus RTLN Q, Q is reaction quotient जो chemical equilibrium में पढ़ा था हमने. At equilibrium, delta G zero, reaction quotient become equilibrium constant. तो यहाँ पे zero, delta G naught as it is, Q की जगह के equilibrium. लेके आ जाओ minus sign आ जाए. क्या हमने third law of thermodynamics का statement लिख लिया था? Entropy of a perfectly crystalline solid is zero at zero Kelvin. हाँ सर. Yes sir. ठीक है. चलो मतलब हमारा अभी तक second law, third law था complete हो चुका है, इतना उसमें content था. Maybe possible एक दो छोटी मोटी चीजें आएंगी जो मैं questions के थ्रू बता दूंगा. अब इसके बाद इस part में जो बचा है thermochemistry mainly बचा है हमारा. क्यों?
क्या स्टार्ट करें थोड़ा बेसिक कर लें थर्मोकेमिस्ट्री का आज? यस सर। थर्मोकेमिस्ट्री नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स लास्ट पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट विल टेक रफली टू लेक्चर्स हमें 3 घंटे कुछ लगेंगे रफली इसमें अच्छा कुछ होमवर्क डिस्कशन के लिए पेंडिंग है क्या वैसे मतलब मैं चाह रहा हूँ कि फ्रेश लेक्चर से स्टार्ट हो सही रहेगा क्योंकि 10 मिनट में बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा सर एक्सरसाइज सर एस ब्लॉक का बाकी है एक्सरसाइज टू किसका और सर केमिकल इक्विलिब्रियम भी बाकी है यस सर केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या बाकी है डिस्कशन का केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या बाकी है डिस्कशन का सर एक्सरसाइज 3 अच्छा एक्सरसाइज 1 और 2 हो गए थे उसके डिस्कस राइट और सर थर्मोडायनामिक्स में एक्सरसाइज 2 में आपने क्वेश्चन